हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज शीलास हैप्पी लाइफ टिप्स। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लेशियर से रिलेटेड को यूजर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो ज़्यादा बात ना करती हूँ, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। ग्लेशियर के यूजर्स बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि वैसे तो ग्लेशियर सभी टाइप की स्किन वालों के लिए यूज़फुल होता है एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी अगर आपकी सुपर सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव नहीं बोल के मैं सुपर सेंसिटिव बोल रही हूँ, अगर सुपर सेंसिटिव स्किन है तो आपको इसको पहले इसको चेक कर लें। आप थोड़ा सा आपको ग्लेशियर लेके अपने कान के पीछे लगाना है एंड वेट करना है 5 मिनट तक। देन उसके बाद अगर आपको कोई इरीटेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको उसको यूज़ करने को अवॉइड करना है। फर्स्ट यूज गाइस, अगर आपकी ये ड्राई स्किन तो आपको लेना है आधा चम्मच ग्लेशियर, 1 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल। यहाँ पर गाइस मैं ले रही हूँ पतंजलि का केसर चंदन एलोवेरा जेल, आप चाहे तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको लेना है गाइस 5 चम्मच गुलाब जल। इन तीनों को अच्छे से आपको गाइस मिक्स करना है। देन उसके बाद आपको जो भी आपके पास बोतल उसमें ट्रांसफर कर लेना है। मैं जैसे इस मिश्रण को यूज़ करने का तरीका ये है गाइस, जब भी आप आपका फेस वॉश करें उसके बाद इस मिश्रण को आपको अपने चेहरे पर लगाना है। आप चाहे तो डायरेक्ट स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो आप हथेली में लेके आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें ध्यान रखने की वाली बात ये है गाइस, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसके ऊपर ही अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आफ्टर 10 मिनट्स आपको अपना चेहरा वॉश करना है, देन उसके बाद मेकअप अप्लाई करना है। गाइस, ये मिशन आपके बालों के लिए भी यूजफुल है। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, आपका बाल आपको एकदम डल एंड अनशाइन नजर आ रहे हैं, तो आप इंस्टेंटली शाइन लाने के लिए, इन बालों में शाइन लाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको करना है कि अगर आपके पास इस तरह स्प्रे बोटल डायरेक्ट आपके बालों पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बोटल नहीं, नॉर्मल बोटल है, तो आपको अपने हैंड्स पर लेना है इसको हल्का सा, देन उसके बाद इस तरह लगाना है जहाँ पर भी आप चाहते हैं, बालों से ऊपर नीचे जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर शाइनिंग चाहते हैं वहाँ से, एंड उसके बाद आपको इस तरह उंगलियों से या फिर कंघा कर देना, आपको आपके बालों में इंस्टेंटली जो शाइन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। गाइस, इस मिश्रण का आप एज अ मेकअप रिमूवर एंड एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकती है, उतना ही इफेक्ट करता है जितना आपका एक नाइट क्रीम जो आपके डार्क आई एरिया का है, डार्क स्पॉट आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, उनको भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। चला गाइस, जब भी आप कोई फेस पैक यूज़ करते हैं अपने फेस पे, तो आपको एकदम से अगर ये लगता है कि थोड़ी स्किन आपकी खिंचा रही है या थोड़ा ड्राइनेस फील होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जब भी कोई फेस पैक यूज़ करें तो उस फेस पैक के उसको पूरा एक कटोरी में निकाल के उसके अंदर आधा चम्मच ग्लेशियर मिला दें, देन उसके बाद उस फेस पैक को आपके चेहरे पर अप्लाई करें। आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी कि आपकी स्किन में जो खिंचाव रहता है एंड जो ड्राइनेस आपको फील होती है फेस पैक से, वो आपको नहीं रहेगी। गाइस, ग्लेशियर आपके फर्टिलिटी के लिए भी बहुत यूज़फुल है, एंड पेरेंट्स में जो लाइनिंग आ जाती है, जो ज़्यादा काम करते हैं उनके तो आ ही जाती है ड्राइनेस की वजह से, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है ग्लेशियर, उस पर डालनी है 2 या 3 बूंदे नींबू के रस की, एंड उसको अच्छे से मिक्स करके आपके पैरों के नीचे एंड एरियो पर जहाँ पर भी आपको क्रैक टाइप लग रहा है वहाँ पर लगाना है, एंड नाइट को लगा के उसके ऊपर सॉक्स पर लेना है, ओवरनाइट आपको रखना है। ये आपको 4 to 5 डेज करना, आप देखेंगे गाइस आपकी जो पैर है एड़ी तो ठीक ही है, पैरों के नीचे जो ड्राइनेस होती है, लाइनिंग एकदम स्मूथनेस एंड सॉफ्टनेस नजर आएगी। गाइस, पूरी बॉडी में स्मूथनेस लाने के आप 2 चम्मच ग्लेशियर को आपके नहाने के पानी में मिला सकते हैं, इससे भी आपको पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। गाइस, ये थे मेरे ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ यूजेस, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल नहीं। तब तक के लिए बाय।